हिसार से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रामनिवास राणा ने आज अपने चुनावी कार्यालय पर 36 बिरादरी के लोगों की भारी भीड़ जुटाकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का काम किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। हवन यज्ञ के साथ चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद रामजी लाल ने कहा कि हिसार की जनता इस बार कमल को बाय बाय कहकर रामनिवास राणा का हाथ थामेगी, क्योंकि हिसार की जनता भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल से पूरी तरह से नाखुश है और उसकी सजा भुगत रही है। हम तो यही कह सकते हैं आपको कि अच्छा होकर अच्छा करने दिया हिसार को। बता दें कि 2009 में हिसार से चुनाव लड़कर रामनिवास राणा ने 15,000 वोट पाए थे, जबकि 2014 में उन्होंने बरवाला से चुनाव लड़ा था जहां उन्हें तकरीबन 25,000 वोट हासिल हुए थे। और इसी के साथ इस बार वह हिसार विधानसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। हिसार टुडे से बात करते हुए रामनिवास राणा ने भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि डॉक्टर कमल गुप्ता से आज हिसार की जनता नाराज चल रही है और आज भारतीय जनता पार्टी को भी अपने सामने हार देखकर पसीने आ रहे हैं। नमस्कार, हिसार टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। एक तरफ जहां बीजेपी विकास के मुद्दे पर चल रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए रामनिवास राणा जी कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है हिसार में। हिसार के दिग्गज नेताओं में इनका शुमार होता है और इस बार कांग्रेस किस ताकत के साथ बीजेपी का डटकर सामना करेगी, आइए जानते हैं। राणा जी, आपका सबसे पहले आपको हिसार टुडे में बहुत बहुत स्वागत। आपका चैनल का ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं यही कहूंगा जो हिसार के जो मुद्दे हैं, हमारे जो 5 साल जो अब कमल गुप्ता जी विधायक रहे हैं, उसने पहले यही घोषणा करी थी भाई हर वार्ड में 1 तारीख को, दूसरा वार्ड में 2 तारीख को, तीसरा वार्ड में 3 तारीख को, ऐसा उसने 5 साल कहा तो जरूर था लेकिन गए किसी वार्ड में भी नहीं है। आज जो 5 साल पहले जो विकास हुए, आज वो उस विकास की मरम्मत तक का काम नहीं हुआ है तो कैसे सरकार करेगी। कमल गुप्ता जी है वो एक उच्च लेवल का आदमी है, वो हम एक निचले लेवल के किसान जमींदार के लेवल के आदमी है तो दुख दर्द हम ही समझ सकते हैं। जो महिलाओं का जो कर्या है, पिल्सन का 5,000 रुपये का कर्या है, अगर सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं का पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, हर वर्ग को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। राणा जी, यहाँ पे कमल गुप्ता हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि गलियों का विकास करवाया, रोड का विकास करवाया, क्या आपको हिसार में विकास दिखा? आप 12 क्वार्टर रोड देख लो जा करके, आप कैंची चौक से वो रोड देख लो, महावीर कॉलोनी का रोड देख लो, इस साइड में रोड देख लो, अगर एक रोड भी कहीं बन रहा हो। और ये रोड जो बनवाए हैं, ये रोड जो हाईवे के बने हैं उसमें MLA का कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ ये बात कह रहा है कि मैंने बनवाए हैं, ये इसका कोई रोल नहीं होता इसमें। तो मैं ये जो लोकल जो कॉलोनियाँ हैं उसमें कोई रोड नहीं बना है। आप 12 क्वार्टर रोड पे अंदर जा कर के देखिए, अगर जाओगे तो आप 10 मिनट भी आप नहीं रुक पाओगे। मैं तो अफसोस करता हूँ जो वहाँ के लोग जो रह रहे हैं वो किस तरह से समय निकाल रहे हैं, वो इतने मच्छर हैं, इतने इतनी बीमारी फैल रही है, वो बीमारी जो हर रोज डेली कोई ना कोई बीमारी का, मैं हर बच्चा उसके में प्रीत होता है। ये 12 क्वार्टर रोड का एक फोटो बड़ा फेमस हो रहा है कि हमारे यहाँ पे वोट मांगने मत आओ डॉक्टर कमल गुप्ता, ये हालत है क्या वहाँ की? कमल गुप्ता 5 साल में कहीं भी नहीं गया, और कोई आया है उसके पास साइन कराने के लिए भी कोई आया है तो उसके किसी पर भी उसने साइन नहीं किए। तो प्रजातंत्र है ये, जो MLA कोई बनता है तो MLA इसी बात के लिए बनता है भाई लोगों की दुख सुख की जो है, कोई भी दुख सुख हो तो उसमें शरीक होए। कल ने आज जनता मेरे को समर्थन देकर आज मनाती है तो मेरा तो धर्म यही बनता है कि जनता की सेवा में मैं जब 5 साल जो है जनता की सेवा के बीच रहूं। और जो दुख सुख में कोई आता है तो वो कोई मजबूरी में आता है, और उस मजबूरी के में हम जाकर उसका काम नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे को तो राजनीति करनी थी खार है हमारी।
राणा जी, ये बताइए कि ये जो उद्घाटन सब हो रहे हैं, क्या कांग्रेस के टाइम पे अप्रूव्ड हुए प्रोजेक्ट है या कमल गुप्ता जी ने अप्रूव्ड करवाए हैं जितने भी प्रोजेक्ट्स आजकल उद्घाटन हो रहे हैं? ये पहले कांग्रेस के टाइम के हुए हैं, ये बाद में उद्घाटन जो ये पत्थर लगा रहे हैं। अब सब्जी मंडी की बात लगा लो, सब्जी मंडी पहले के टाइम समय में होड़ी है, वो बाद में इन्होंने निकाल कर आगे भेजी है। वो ये तो जितने भी पत्थर लगा रहे हैं, ये सारे जितने प्रोजेक्ट हैं, ये सारे पहले कांग्रेस की सरकार के बने रहे हैं। यानी आपका मानना है कांग्रेस सरकार के कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश बीजेपी? आप मेरे को आप ही बता दो, अगर एक काम भी नया मेरे को एक बता दो, हिसार में कोई भी नया एक काम बता दो उसने ये काम किया है। अभी फ्लाइट तोड़ा दी है जी, फ्लाइट उड़ा दी यहाँ से चंडीगढ़। फ्लाइट उड़ा दी तो फ्लाइट के तो एक फ्लाइट उड़ी है, वो सीधी हम वो कर देंगे वो और कौन सी फ्लाइट उड़ी है वो सिर्फ वैसे सह ले रहे हैं, ये भाजपा वाले वैसे सह ले रहे हैं। यानी कि मानना है कि हवाई जहाज के नाम पे वोट नहीं मिलेगा इस बार? लोग समझदार हो रहे हैं, वो जनता हिसार की बहुत समझदार है, आसान नहीं है। जो वो कहीं गया ही को नहीं, हवाई जहाज में गरीब आदमी हवाई जहाज में बैठ कर जागा? वो तकड़ा आदमी जा सकता है, उसका हवाई जहाज थोड़ी काम आओगी। उसका तो घर के आगे सड़क बनी होगी, उसका सीवर का सप्लाई होगी, पानी की सुविधा होगी, वही उसका काम आनी है। रोजगार होगा, घर में बच्चा है उसका कोई रोजगार मिले तो काम तो उसके वे आने हैं, उसका कोई जहाज थोड़ी काम आओगी। और जहाज वाला भी इन्होंने एक फंडा फैलाया हुआ है। अभी ये बताइए कि 2014 का चुनाव था, सावित्री जिंदल को इस मुद्दे पे उन्हें हार का सामना करना कि आवारा पशु मुक्त हिसार होगा, तो क्या कमल गुप्ता जी ने 5 साल में क्या आवारा पशु मुक्त कर दिया हिसार? 10 साल कांग्रेस सरकार चली थी उस समय, लगातार 10 साल कांग्रेस सरकार चलने पर ऑटोमेटिक ही लोगों का जो भावना है वो बदल जाती है। तो उस समय हाँ है जी, हाँ उस टाइम में भावना ऑटोमेटिक बदली हुई थी, और कुछ भावना थी कुछ सेंटर में जो भाजपा सरकार होने की वजह से, नहीं तो हमारे सावित्री जिंदल जी तो बनी पड़ी थी। वो कुछ समीकरण ऐसे बदल गए जो कि वो थोड़ा पलटा लाग करके कमल गुप्ता जी बन गए। बताइए आवारा पशु मुक्त हुआ है हिसार? नहीं, हिसार आवारा पशु कहाँ है, आप देखो सड़कें भी जा गए, आप रात को घूम कर देखो सड़कों के ऊपर पूरी पूरी गाय बैठी मिलेगी आपको, हर एरिया में, हर सड़क पे, हर हाईवे पे। विधायक बोलते हैं कि उनकी जीत ऐतिहासिक होगी, बाकी विपक्ष का अस्तित्व ही नहीं बचा है कांग्रेस का, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ मीडिया के माध्यम से और माध्यम से जो दिखावा कर रहे हैं, आज तक मैंने तो ये देखा नहीं। पहले हजका भाजपा का गठबंधन होया, मैं 2.5 साल तक साथ रहा। ये सिर्फ जितनी भी राजनीति करते हैं ये सारी एसी में कमरे में बैठ करके करते हैं, ये जनता के बीच कभी नहीं जाते भाजपा वाले। हमने रात दिन करके एक करके जनता के बीच गए, हम जनता में रहते हैं 24 घंटे। तो ये सिर्फ अफंड फैला रहे हैं इस बात का, ऐसा कुछ नहीं है। कौन से मुद्दे हैं इस बार लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच, समस्या क्या है हिसार की? समस्या हिसार की तो ये बेरोजगारी है, जैसे सीवरेज की है, पानी की है, पानी भी जो सीवर में मिलकर पानी है जो घरों में पीने का आ रहे हैं, तो ये ऐसी समस्या है। जो सड़कें की है तो इनका मैं बहुत जो है गहराई से चल करके लोगों की राय ले करके, अगर जनता ने हिसार की जनता से मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, मुझे एक मौका दे करके देखे, मैं आपको काम करके दिखाऊंगा, 5 साल आपकी पूरी भरपूर सेवा करूंगा। जो भी आदमी ये बात कहेगा, राणा साहब का टेलीफोन करेगा, आपके सामने हाजिर मिलूंगा। आप ये बताइए कि कितने वोटों के मार्जिन से जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, और क्या इस बार बीजेपी को जो कांग्रेस है जोरदार झटका देगी इस बार वोटों के नतीजों के साथ? भाजपा का अब भाजपा के सार में तो बिल्कुल पसीने आए हुए हैं, और अब हमारी जो टीम जो चलेगी है ना, अब तो एक तरफा माहौल बना देगी इस हार में। जो मैंने 2014 में भी चुनाव लड़ा बरवाड़ा से, 25,000 वोट प्राप्त किए थे। 2009 में मैंने हिसार से चुनाव लड़ा तो 15,000 वोट प्राप्त किए थे। तो हमारी जो टीमें हैं ना, वो बहुत मजबूत है और बहुत मेहनती है, तो वो ना तो पसीने से डरती ना गर्मी से डरती,
तो ये रात दिन एक करके हम और इसको जीत हासिल करेंगे, अच्छी बहुमत से अच्छे वोटों से जीत हासिल करेंगे। इस जीत में सावित्री जिंदल और कुलदीप बिश्नोई का कितना साथ रहेगा? वे तो हमारे नेता हैं, सावित्री जिंदल जी हमारे नेता है, कुलदीप बिश्नोई जी हमारे नेता हैं, वे आदरणीय नेता हैं, उन्हीं की बदौलत है ये, वो उनका भरपूर हमारे साथ साथ है, उनकी बदौलत से ये और जनता का सहयोग से ये जो है सीट हम निकाल करके जो है जनता के बीच आएंगे, जनता की 5 साल सेवा करेंगे। जनता को अपील क्या करना चाहेंगे जाते जाते? जनता को अपील यही करूंगा भाई, एक मौका मुझे दे और 5 साल तक मैं आपकी सेवा में हर समय हाजिर रहूंगा, कोई भी कहीं भी कोई समस्या आए मेरे पास टेलीफोन करे, मैं तुरंत पूछूंगा। मैं पहले महावीर कॉलोनी का पार्षद भी रहा हूँ, मेरे काम वहाँ भी देख ले, मेरा भाई बिहारीलाल राडा प्रधान रहा था, हमने वहाँ भी उस महावीर कॉलोनी को सेक्टर में तब्दील किया था, तो हम काम पर विश्वास रखते हैं, हम ये नहीं देखते भी अब गर्मी है बारिश है मौसम खराब है, हम जो काम करते हैं ठानते हैं तो उस काम को करके पूरा करते हैं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी जिनका नाम पे नहीं बल्कि काम पर वोट मांग रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार जनता उन्हें मौका दे और दिखाए कि कांग्रेस की असली ताकत क्या है। वहीं रामनिवास राणा के समर्थन में आए उनके समर्थकों ने डॉक्टर कमल गुप्ता के कामकाज पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। कितना भरोसा है इस बार कांग्रेस की टिकट किस प्रकार से निकल कर आएगी इस बार? हमें 100% भरोसा है, अभी तक वो जीते हुए हैं बीजेपी वाले, अभी तक जीते हैं, हम 24 को जीतेंगे, अभी तक वो जीते हुए हम 24 को जीतेंगे। क्या हाल है अभी हिसार का, बीजेपी का क्या हाल लग रहा है? आप ऐसा हाल करते हैं 24 को जनता अपना आप बता दी क्या हाल है, जनता बताएगी। ये अभी जितना भी विकास की बात करती है बीजेपी, विकास हुआ है क्या? विकास सिर्फ हुआ कागजों में। मैं 2 टर्म नगर परिषद का चेयरमैन रहा और विकास के बारे में मेरे से ज्यादा शायद ही कमल गुप्ता को तो कुछ पता ही नहीं है। कमल गुप्ता की आप भाषा जानोगे, वहाँ जाए आदमी और किस तरह वो अपमान करते हैं। 5 साल उन्होंने शुरू में ये कहा था मैं 1 तारीख को 1 वार्ड में, 2 तारीख को 2 वार्ड में, 3 को 3, इस तरह वार्ड वाइज हर महीने जाऊंगा, लेकिन 5 साल में वो शहर के किसी भी वार्ड में नहीं गया। आज लोगों ने बोर्ड लगा दिए, इंदिरा नगर है उसने कह दिया भी हमारे ना घुसे। 12 क्वार्टर रोड जो 1.5 साल से सड़क पाड़ी हुई है, बीच में 3-3 फुट ऊंचे मेन होल हैं, वो सड़क वो नहीं बनवा पाए। लोगों ने कह दिया गुप्ता जी आप हमारे को नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, हमारे यहाँ मत आना। इसी तरह जो ना महावीर कॉलोनी के लोग कह रहे हैं, महावीर कॉलोनी की सड़कें जो है ना, उन्होंने एक सड़क भी ऐसी नहीं है जो 5 साल में बनवाई हो, कहीं कोई काम नहीं किया, सिर्फ लोगों का अपमान किया है। लोग मैं रात एक अग्रवाल से मैं बात कर रहा था तो बोले मेरा पिताजी गया था बदली करवाने के लिए इसके पास, तो उसने कहा कागज दिया जी ये मेरी बदली है, मेरे एक आदमी की, ये बदली करवा दो, कागज ले लिया। वो बोले जी आप इसको सीरियसली लेना, बोले आप अपने आप को बड़े भाग्यवान समझो जो आप मेरे सामने बैठे हो, बोले आप भाग्यवान हो मैं एमएलए बैठा मेरे एमएलए के सामने बैठे हो। उसने वो कागज उस वापसी लेकर उसके सामने फाट दिया, इस तरह का व्यवहार। मैं भी एक बार एक काम से गया था, बोला 5 साल में धड़ल्ले से करूंगा और आगे मैंने बनना नहीं, और मेरे साथ नरेश सिंगल उसका साथी है बिल्कुल, अब आप नरेश सिंगल से पूछ कर देख लो ना गया हो तो। व्यवहार इस तरह का जो आदमी व्यवहार करता हो उसको कौन लोग वोट देंगे? जनता जो है वो चाहती है भी हमारा एमएलए हमारा विधायक ऐसा हो जिसके पास हम जब मर्जी जा सके, रात को 12 बजे भी जा सके, वो हमारी बात सुन सके और हमारी इज्जत कर सके। काम सबके सब नहीं होते, लेकिन जो लोग आते हैं मेहमान होते हैं वो, उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज होता है, लेकिन उन्होंने किसी आदमी की इज्जत नहीं की, किसी को चाय की, किसी को पानी की, को बिठाने की भी, कोई शादी कार्ड ले गया कह दिया पीए को कार्ड पकड़ा दो, उसने कभी कार्ड नहीं लिया, ना उनको बिठाया, ना कभी चाय की पूछी, ना कभी पानी की पूछी, ऐसा माहौल है, उसको कौन टिकट देगा? मैं तो कहता हूँ उसकी जमानत जब्त होगी। तो ये था यानी कि जमानत जब्त हो जाएगी उनके व्यवहार के कारण, आपको क्या लगता है कि क्या हालात है? हालात बहुत अच्छे हैं, कांग्रेस बहुमत से आपके सामने आएगी और एक एक कार्यकर्ता इस समय मैदान के अंदर है और बीजेपी घबराई पड़ी है, बीजेपी का कोई समय जनाधार नहीं है हिसार के अंदर, और कमल गुप्ता के आप वोट खुद देख रहे हैं और वोट देख रहे हैं, लोग कभी ऐसे खुल के नहीं आए आज तक, किसी का एमएलए या कोई होते हुए विरोध नहीं हुआ आपने देखा है, ये विरोध क्यों हो रहा है? कोई नेता नहीं कर रहा, पब्लिक ने जवाब दे दिया है
और 21 तारीख को आप देखना खुल के कैसे वोटिंग होगी और कांग्रेस कैसे आती है। कांग्रेस बहुपुर ताकत में है, सावित्री जिंदल, राणा जी, हमारे कुलदीप बिश्नोई जी, भूपेंद्र गंगवा जी, चारों तरफ से MLA ऐसे लगे हुए हैं और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कोई भी कमी ना समझिए आप, और मैं कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, किसी की बात में बहकाव में मत आओ। हम एक है कांग्रेसी, ये हमारी रणनीति है कि हम कैसे जीतेंगे। कमल गुप्ता जी का व्यवहार नहीं जी, कमल गुप्ता जी के बारे में तो यही कहा जा सकता है, वो उनका एक सिस्टम एक बिल्कुल अलग है, वो पब्लिक से कट ऑफ रहते हैं, पब्लिक के बीच में कभी नहीं आते। जहाँ तक राणा जी का सवाल है, ये धरातल से पब्लिक से आम आदमी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हर आदमी के दुख दर्द को समझते हैं, इसलिए जो है कि राणा जी बहुमत से बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगे यहाँ पर, और पूरा कांग्रेस का समर्थन और जो और भी कार्यकर्ता हैं जितने भी, जैसे कुलदीप जी का इन्होंने नाम लिया, सावित्री जी का इन्होंने नाम लिया, और भी जो है संगठन जितने भी हैं हमारे, वो सब इनके साथ हैं। आपको क्या लगता है जीत बहुत भरपूर मार्जिन से हो? हमारी जीत बिल्कुल निश्चित है। आज आपने कार्यकर्ताओं का जोश देख लिया होगा, इस जोश से देख के आप ही बता सकते हैं कि हमारी जीत निश्चित है। कमल गुप्ता जी के बारे में कुछ टिप्पणी? नहीं, कमल गुप्ता के बारे में क्या टिप्पणी है, जनता करेगी टिप्पणी, हम उसकी क्या टिप्पणी करेंगे। जो विकास कार्य हुए हैं नहीं हुए वो जनता अपना बताएगी। ये सारे विकास कार्य सावित्री जिंदल मिनिस्टर दी हमारे कांग्रेस कार्यकाल में हुए हैं, उसने 5 साल के अंदर कोई विकास कार्य नहीं किया है। श्रेय लेने की कोशिश की आपका मानना है? श्रेय लेने की कोशिश करें, आप जनता जानती है झूठा है, 21 तारीख को बता देगी श्रेय किस। और मैंने जो है ना जी, जो गुप्ता क्या लगता है कमल गुप्ता जी के बारे में? कमल गुप्ता जी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप सुन के हैरान रह जाओगे। एक साल पहले बने हुए, एक साल हुआ था, मैं मार्केट कैमरी रोड के ऊपर है, हमने सारे मार्केट वाले इकट्ठे करे के गुप्ता जी यहाँ से निकलेंगे, हमारी बात सुनेंगे। हम वहाँ से जैसे इकट्ठे हुए, इनके आगे मैं रुक गया, गाड़ी के आगे हो गया, गाड़ी रुकी, गाड़ी रुकने के बाद मैं बोला जी गुप्ता जी रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक मिनट चलो, ये मार्केट का थोड़ा माहौल देख लो, हमारा माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, सारा कोई काम नहीं हो रहा हमारा, साड़ी सड़कें टूटी पड़ी हैं, फुटपाथ टूटे पड़े हैं हमारे, आप आओ जो एक मिनट के लिए आ जाओ, आपका वहाँ आओ भगत भी करेंगे और आपको मुबारकबाद भी देंगे। उन्होंने नहीं आना था, नहीं आए, वो कहने लगे मेरे पास तो वहाँ लेके आ जाओ आप कागज और वहाँ बैठ के मीटिंग करेंगे। मैं बोला जी आप आए हुए हो यहाँ देख लो, बोले नहीं मेरे को बहुत काम है। मैं बोला गुप्ता जी काम तो सारी उम्र चलने हैं, हमारा काम हो जाएगा हम आपको वोट भी देंगे सपोर्ट भी करेंगे। पीछे से सिक्योरिटी वाला बैठा था, बोले नारंग ये सावित्री जिंदल नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा नहीं है, तेरे कहने से रुक जाएगा, ये तो गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी ये किसी के कहने से नहीं रुकते, इन्होंने तो ऐसा बुरा हाल करा है जी, कोई काम नहीं करे आज तक। PLA में मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ एसोसिएशन का, रेजिडेंस का, और उसका प्रधान हूँ मार्केट का, कई बार गए जी, कोई काम नहीं इन्होंने करा, ना अनाउंसमेंट के लिए इनके पास रो रो के बैठ गए, इतने लोग गए, मैडम बहने गई, सारे गए जी हमारा कुछ इसका अनाउंसमेंट का कुछ कर दो, जब वोट आते हैं जब तो कहते हैं जी हम कल परसों तक कर देंगे, आप रुको हम कर देंगे। 2 बार मैं चंडीगढ़ गया जी इनके साथ, कोई काम नहीं बना जी आज तक, ना खट्टर साहब ने कराया, ना गुप्ता जी ने हमारी सहायता करी। बताइए कि आपका क्या मानना है कि कार्य हुए हैं 5 साल? हाँ जी, हमारा मानना तो ये है कि कमल गुप्ता ने कुछ ही नहीं किया। नंबर एक, ये परिवार एक ऐसा परिवार है राम निवास जो हर एक के साथ जुड़ा हुआ है, गरीब गुरबे के साथ, अमीर के साथ। उसके बाद इनके भाई चेयरमैन रहे हैं बिहार राडा, उन्होंने भी काम किए हैं। इस श्रेणी परिवार में ये गुण है, इस टाइम जिस टाइम चले जाएंगे उस टाइम हमारे साथ तैयार मिलेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, बहन सावित्री जिंदल जी जो उन्होंने योगदान दिया है, जो हमेशा दान करते हैं करते रहेंगे, ये उन्होंने टिकट इसको दी है तो ये उसका भी स्थान रखेंगे, और बहन सावित्री जिंदल जी भी इनकी पूरी हेल्प करेगी। और मैं ये सब परिवार से प्यार हूँ, सैनी परिवार, इतना नेगनीत परिवार जिसका कोई अंत नहीं है, उसके बावजूद कुलदीप के वोट भी इनके साथ हैं, उसके बाद इनका भाईचारा, इनका प्यार, वो सबसे बढ़िया है। जय हिंद जय भारत। और कोई सवाल पूछना पूछो मेरे से। ब्यूरो रिपोर्ट हिसार टुडे। हिसार टुडे
बदलते रहे समय के साथ। हिसार टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और पाएं हिसार की ताज़ातरीन खबरें।